अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाजरीन, एक आराम शहर हैदराबाद की बात हो और खानों की बात ना हो, शहर हैदराबाद जहां अपनी मिसाल आप है, वहीं यहां के खाने भी दुनिया भर में मशहूर हैं। जी नाजरीन कराम, आज ऐसे ही एक छोटी सी दुकानें मौजूद हूँ। ये छोटी सी दुकान पाकिस्तान के हर इलाके में मौजूद है, क्योंकि यहाँ मिलने वाली वो चीज़ एक ऐसी ख़ास चीज़ है जो कि नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हैदराबाद के अलावा पाकिस्तान में ये चीज़ कहीं नहीं मिलती। जी तो मेरे बैकअप में आप देख सकते हैं, दुकान छोटी सी दुकान मौजूद है जिसका दुल्हन पराठा न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, यहाँ तक के पंजाब से भी लोग स्पेशली तौर पर ये पराठा खाने आते हैं, जिसका नाम है दुल्हन पराठा। इस पराठे की ख़ास बात क्या है, इस पराठे में ऐसे कौन से जायके हैं जो लोगों का जी मोह लेते हैं, इस पराठे में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोगों का दिली लगाव इस पराठे के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत है। नाज़रीन कराम, हालांकि अगर आप देखें तो मेरे कैमरा आपको दिखाएं तो ये एक छोटा सा कैफ़े है, कोई बहुत बड़ा कैफ़े नहीं है। ये शहर हैदराबाद की उन तंग गलियों में मौजूद है कि जहाँ पर लोगों का गुजरना भी शायद मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इनका ये कैफ़े, यहाँ पर इनका ये दुल्हन पराठा, यहाँ पर इनका ये ब्रांड खूब चल रहा है और खूब तरक्की कर रहा है। नाज़रीन कराम, आइए आपको दिखाते हैं दुल्हन पराठा बनता किस तरह है, और फिर इसके मालिक से बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे कि उन्होंने कब से ये खाना शुरू किया, मालिक ने कब से बनाना शुरू किया। तो आइए आपको दिखाते हैं दुल्हन पराठा बनाया किस तरह जाता है। जी तो नाज़रीन कराम, ये दुल्हन पराठा यहाँ पर तैयार हो चुका है और बहुत स्पीड में, बहुत तेज़ी से उन्होंने जो है ये पराठा बनाया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएं तो इस पराठे के ऊपर हर एक चीज़ मौजूद है, इसके अंदर कीमा भरा गया है, उसके बाद इसके ऊपर चिकन भी है, इसमें जो है वो रान भी रखी गई है, इस पर स्ट्रॉबेरी नज़र आ रही है मुझे, अंडा लगा हुआ है, काजू है, और उसके अलावा इस पर चुकंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस दुल्हन पराठे का हिस्सा है, और यही इसकी खासियत है, यही इसकी ख़ास बात है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और एक सिंगल बंदा पराठा खा नहीं सकता। किसी बंदे में बहुत मुश्किल है कि वो इस पराठे को पूरा खा ले, बहुत हैवी पराठा होता है। नाज़रीन कराम, अगर आपने पराठा खाना है तो आपने यहाँ पर आना होगा और शहर हैदराबाद की हुसन के साथ साथ यहाँ के जायकों को भी चखना होगा। यही वक्त है ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कब से खाने आ रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ पसंद है। तो आपने कहीं मत जाना, देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट विद अनसब कुरैशी। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूँ अनसब कुरैशी, आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद की। उस पर नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे हैं दुल्हन पराठा पर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुल्हन पराठा, ये जो दुकान है बेसिकली, इसके मालिक फैसल भाई। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि दुल्हन पराठा कब से बना रहे हैं और कब से खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे बताइएगा, आपकी दुकान है अफजल कैफ़े के नाम से, इसका आगाज़ आपने कब से किया? हमारी दुकान है कैफ़े अफजल दुल्हन पराठे के नाम से, इसका आगाज़ हमारे वालिद साहब ने करा था। इसका आगाज़ हुए हुए तकरीबन कोई 45 या 50 साल हो गए, यानी पाकिस्तान बनने के चंद ही साल बाद आपकी दुकान स्टार्ट हुई। हाँ, ये हमारे वालिद ने स्टार्ट करा था ये पराठा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ये चीज़ें बढ़ाते गए, अदरक, चुकंदर, मुर्गी, लेग पीस, तो ये माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मशहूर है दुल्हन पराठे के नाम से। और जब शादी ब्याह होती हैं तो लोग बाग दूर दूर से यहाँ दुल्हन के लिए पराठा लेके जाते हैं, सुबह जो दुल्हन को नाश्ता कराते हैं वो इसी पराठे से कराते हैं, दुल्हन पराठे के नाम से। पाकिस्तान में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, बहुत से लोग आए और नकल करी है, उन्होंने वो नहीं कर सके, कामयाब नहीं हो सके, अल्लाह के हुक्म से सिर्फ दुल्हन पराठे का, जिस तरीके से ब्यूटी पार्लर में दुल्हन को तैयार करते हैं ना, उस तरीके से इसको पराठे को यहाँ तैयार किया जाता है दुल्हन की तरह, दुल्हन के साथ साथ इसमें जायका भी है हर चीज़ में। तो सर मुझे बताइएगा कि दुल्हन पराठे का आगाज़ कब से किया, आपने कब से बनाना शुरू किया, और उसका नाम किसने रखा था, कैसे जहन में आया कि नाम दुल्हन पराठा रखा जाए? जहन में वो इस तरीके से आया है कि इसको जो नाम दिया है वो आवाम ने नाम दिया है दुल्हन पराठे के नाम से, वरना हमारा शुरू से पराठा था अपने वो दूल्हा और दुल्हन का स्पेशल पराठा था, लेकिन इसका जो इसको जो नाम दिया है वो आवाम ने नाम दिया है दुल्हन पराठे के नाम से। ठीक हो गया जी। ऐसी क्या ख़ास बात आपके नज़दीक, ऐसे क्या ख़ास जायके इसमें मौजूद हैं कि लोग दूर दराज से यहाँ पर खेत चले आते हैं?
इसमें हमारे वालिद साहब की 12 जड़ी बूटियों का मसाला जो हम खुद पिसवाते हैं पंसारी से, हमारे पास पूरा डायरी में लिखा हुआ है। सबसे असल चीज़ वो है इसमें, बाकी कीमा है, चिकन है, कीमे में भी मसाले डलते हैं हमारे खुद के। और सबसे बेस्ट जो है वो इसमें हमारे 12 जड़ी बूटियों का मसाला है जो हर चीज़ पे गिरता है, अंडे पे तो उसमें टेस्ट पैदा हो जाता है। सर आखिरी बात आपसे, हमारे देखने वालों को बता दीजिएगा इसका एड्रेस क्या है और जो आना चाहे तो वो किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं। हमारा एड्रेस ये है कि रेशम गली भी लगती है, शाही बाज़ार भी लगता है, छोटी गिट्टी भी लगता है, हम बीच में बैठे हैं। टाइमिंग हमारी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की है, इसके अलावा हमारी और कोई शॉप नहीं है, यही शॉप है। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे थे जनाब फैसल साहब से कि इनकी जो दुकान है वो सुबह 7 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर होती है और जो है वो तमाम तरह चीज़ें यहाँ पर जो दुल्हन पराठे की खास तौर पर है वो बिक रही होती है। नाज़रीन कराम, ये वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो यहाँ लोगों से बात करेंगे। आपने कहीं मत जाना, देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट विद अनसब कुरैशी। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूँ अनसब कुरैशी, आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाज़रीन कराम, आज हम बात कर रहे हैं दुल्हन पराठा की खासियत पर और मेरे साथ इसके कारीगर भी मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये इस दुल्हन पराठे को बनाते किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा इस पराठे की जो है वो ख़ास बात क्या है, इसको किस तरह बनाया जाता है जो ये मुख्तलिफ हो जाता है दूसरों से? दूध और मैदे के अंदर जो है ना, दूध और मक्खन के अंदर मैदा गूंदा जाता है इसका, और इसको बहुत दूर दराज से पब्लिक खाने आती है। अच्छा, तो इसको दूध और मक्खन से गूंदा जाता है तभी इतना जो है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कहलाता है, सॉफ्ट कहलाता है। ठीक है जी। जी तो नाज़रीन कराम, आइए और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, यहाँ जो पब्लिक आई हुई है खाने के लिए उनसे जानते हैं कि उनको जायका कैसा लगता है, तो आइए और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन कराम, दूसरे कारीगर जो पराठे के बाद अब इस दुल्हन पराठे को बनाते हैं, आइए उनसे जानते हैं वो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, किस तरह बनाया जाता है दुल्हन पराठा? दुल्हन पराठा पहले बनाया जाता है, इसमें चिकन भरी जाती है और फिर इसके बाद इसके ऊपर अंडे की फिलिंग होती है, फिर इस पर अदरक चुकंदर लगाया जाता है। अब इस पर अंडा लगाया जा रहा है। अदरक लगाई जा रही है, चुकंदर है, ये मुर्गी का रेशा है, इस पे काजू लगाए जा रहे हैं, अब इस पे नींबू लगाया है, इस पे मसाला लगाया है, अब इस पे स्ट्रॉबेरी लगाई है, अब ये हो गया तैयार। जी तो नाज़रीन कराम, ये दुल्हन पराठा तैयार हो चुका है और इसमें जो ख़ास रेसिपी है वो है कि अलग अलग चीज़ें इसमें जो है वो डाली जाती हैं और अलग अलग चीज़ें जो है वो इसमें ऐड की जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जायका मज़ीद पुरलुत्फ़ हो जाता है। नाज़रीन कराम, आइए और लोगों से बात करते हैं। सर दुल्हन पराठा कैसा लगता है आपको? बहुत बेहतरीन लगता है, अच्छा है, अच्छी पब्लिसिटी भी है और शादी ब्याह में भी बहुत इस्तेमाल में आता है। तो आप किस रोज़ाना नाश्ता करने यही आते हैं या कभी? यह है कि कभी कभी नाश्ता करते हैं, घर में प्रोग्राम होता है तो नाश्ता यहाँ से ही आता है। ऐसी क्या ख़ास बात लगती है आपको इनके दुल्हन पराठा में? दुल्हन पराठे में यह है कि अच्छी चीज़ है, अच्छा मियार है और अच्छे अपने जायका अच्छा है। जी सर, आप दुल्हन पराठा लेने आए हुए तो मुझे बताइएगा कब से खा रहे हैं, कब से इसका जायका चख रहे हैं? जी मैं तकरीबन बचपन से ही तकरीबन यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर के जो खाने को जो है एंजॉय कर रहा हूँ, स्पेशली दुल्हन पराठा और पूरी वगैरह। पहले कम से कम मैं अपने वालिद साहब के साथ आता था, अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम हो गया कि मैं अब अपने बच्चों के साथ जो है यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ के खाने को एंजॉय कर रहा हूँ, और प्लस ये कि इतने अरसे के अंदर यहाँ की क्वालिटी और यहाँ के जायके में कोई भी फ़र्क नहीं हुआ। और जो भी ये लोग देख रहे हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, इनको भी कहूँगा कि वो भी लोग यहाँ पर आएँ ये और यहाँ के खानों को और पूरी को एंजॉय करें। क्या खास बात है जो लोग इसे खाने आते हैं? भाई दुल्हन पराठे का जायका, दुल्हन पराठे की क्वालिटी और दुल्हन पराठे की रेसिपी बिल्कुल यूनिक है और इनकी तो स्पेशली बहुत ही यूनिक है और बहुत ही टेस्टी होता है। जी तो नाज़रीन कराम, आपने देखा आज का प्रोग्राम जो कि दुल्हन पराठे पर था और ये हैदराबाद की एक सौगात है, ख़ास बात है
के लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर खाने आते हैं। अच्छा, देखने वालों को बता दूँ कि ये मेन शाही बाज़ार है और इसमें रेशम गली मौजूद है। यहाँ पर ये दुल्हन पराठा मिलता है जो कि अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर आते हैं, इस दुल्हन पराठे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रसने कराम, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। तो हमारा स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा है, अगर आपके इलाके में कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई स्पेशल चीज़ आपके पास है तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। रसने कराम, ये वक्त हुआ ख़त्म। मुझे अनसब कुरैशी को, मेरे कैमरामैन शाकिर कुरैशी को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।